हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि AFO 2018 एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर 2018 के एग्जाम के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आप अच्छी तरह से प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों में पास हो जाए। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, जैसे कि सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, क्या सिलेबस है, कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं और क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का। शॉर्ट में सारी चीजें बताऊंगा। तो आप हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक का पेज है इसी नाम से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, इसको लाइक कीजिए। और व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 8237783981। व्हाट्सएप पर ऐड होने में थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 दिन बाद ऐड हो पाते हैं जो लोग मैसेज करते हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, मैं सबको ऐड कर देता हूँ जो लोग भी मैसेज करते हैं। तो ये हमारा YouTube का चैनल है, इसको जरूर से आप सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं कैसे प्रिपरेशन करना है AFO 2018 के लिए। सबसे पहले इस बार जो प्री और मेंस में एग्जाम होने वाला है AFO 2018, इसकी नोटिफिकेशन आ गई है। प्री एग्जाम जो होगा वो दिसंबर के एंड में 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को होने वाला है, और मेन एग्जाम जो है वो 28 जनवरी को होगा। तो आपको उसी तरह से प्रिपेयर करना है। अब देखिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो हर साल जो सीट्स निकलती है वो होता है 2500 सीट, लगातार 3-4 सालों से 2500 सीटें हर साल निकल रही है, जो फाइनल सिलेक्शन होता है जिनको कि बैंक अलॉट होता है। 2500 सीटें नॉर्मल होती है और 50-60 सीटें दूसरे कैटेगरीज के लिए होता है, वो जनरली कंसिडर नहीं करते। तो ये 2500 सीटें होंगी। तो ये IBPS का एक रूल है कि वो किसी भी एग्जाम में जो उसके पहले लेवल का होता है उसके लिए वो 3 गुना लोगों को बुलाते हैं। तो प्री एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करेंगे टोटल 22,500 लोग, क्योंकि मेंस एग्जाम जो होगा उसके लिए 7,500 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो उससे 3 गुना, अब देखिए 2500 सीटें हैं फाइनल सिलेक्शन, तो उससे 3 गुना आपको मेंस में चाहिए। तो मेंस एग्जाम के लिए 7,500 लोगों का सिलेक्शन होना है और प्री एग्जाम के लिए 7,500 से 3 गुना, मतलब 22,500 लोग प्री एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि 22,500 जो प्री एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे तो उस हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकता है, किस एग्जाम से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें देखेंगे। अब देखिए जो प्री और मेंस का एग्जाम होने वाला है, प्री में जो फॉर्मेट रहेगा इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि प्री में सिर्फ 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो जो जनरल इनका फॉर्मेट होता है IBPS का, सारे एग्जाम्स जो भी होते हैं प्री के, वो सारे एक जैसे होते हैं, 1 घंटे का होता है और उसमें 35 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो ज़्यादा संभावना है कि प्री एग्जाम जो होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा, और जो मेन एग्जाम है वो सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बता दिया है। और जो प्री के मार्क्स होंगे उसका कोई लेना देना नहीं होगा मेंस के एग्जाम से या फिर फाइनल सिलेक्शन से। मेंस के एग्जाम के लिए रहेगा, मतलब लेना देना, जैसे प्री में जो क्वालिफाई कर गए उनको मेंस में बुलाया जाएगा और फिर मेंस में जो क्वालिफाई करेंगे उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो प्री के मार्क्स को इंटरव्यू में कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ मेंस के एग्जाम को, जो आप एग्रीकल्चर सेक्शन में जितने मार्क्स आप लाएंगे और उसके बाद फिर इंटरव्यू के मार्क्स को, इन दोनों को मिलाकर एक फाइनल स्कोर बनाया जाएगा और उसके हिसाब से बैंक्स अलॉट किए जाएंगे। अब ये 22,500 जो नंबर है ये बहुत ज्यादा है, 22,500 लोगों को बुलाना, मतलब कि कट ऑफ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको तैयार रहना है किसी भी सिचुएशन के लिए। फिर भी हम एक कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा एग्जाम इसके जैसा हुआ था। तो एक एग्जाम हुआ था SBI का, जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट के लिए, ये भी 1 घंटे का एग्जाम था, उसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल मार्क्स थे वो एक एक मार्क्स का था, तो इंग्लिश का भी, इंग्लिश का 30 मार्क्स, एप्टीट्यूड का 35 मार्क्स और रीजनिंग के भी 35 मार्क्स थे।
और जो कट ऑफ आया था ये बहुत ही कम था, कट ऑफ था 1 मार्क्स, एक एक मार्क्स सब में थे, इंग्लिश में, एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में, सब में एक एक मार्क्स थे, जनरल के लिए भी और जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी जो कट ऑफ था वो एक एक मार्क्स ही था, और जो टोटल मार्क्स था वो 7 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 7 और एसटीएससी के लिए 4.5, मतलब आपको 100 में से इतने मार्क्स लाने थे, 7 मार्क्स सिर्फ लाने थे जनरल कैटेगरी के लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि जहां भी एग्रीकल्चर के लोग सिर्फ होते हैं तो वहां पर थोड़ा कट ऑफ कम जाता है एज कंपेयर टू दूसरे एग्जाम्स। और सेम इसी पैटर्न में जो एफओ का एग्जाम है प्री एग्जाम, वो इसी पैटर्न में होने वाला है, ज्यादा चांसेस है, 95% चांस है कि इसी पैटर्न में होगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एफओ प्री एग्जाम जो होगा उसका कट ऑफ 5 नंबर, जो सेक्शनल कट ऑफ है 5-5 नंबर से ज्यादा नहीं होगा, और 15 नंबर भी आप 15 से 20 नंबर भी ले आते हैं अगर टोटल 100 में से तो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 22,500 जो सिलेक्शन है ये बहुत ज्यादा होता है। मैं तो 15-20 नंबर बोल रहा हूँ, यहाँ 7 नंबर में सिलेक्शन हो गया था जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट के लिए, हालांकि ये एग्जाम क्लरिकल लेवल का था तो बहुत से लोगों ने नहीं दिया था, तो थोड़ा सा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन कम रहेगा इतना तो श्योर रहिए। और ये वैकेंसी 3,000 सीटों के लिए थी, लेकिन उन्होंने जो फाइनल सिलेक्शन लिया था वो 1,500 या 1,700 के आसपास उन्होंने लिया था, तो मतलब इतना कट ऑफ कम था, फिर भी 1,700 लोगों को सिलेक्शन उन्होंने लिया था, फिर भी कम था। तो अगर 3,000 लेते तो और भी दिक्कत हो सकती थी, कट ऑफ कम जा सकता था, तो इससे कम क्या जाएगा, 1 नंबर जब कट ऑफ जा रहा है, 7 नंबर कट ऑफ जा रहा है। तो प्री एग्जाम के लिए भी आपको यही स्ट्रेटजी रखनी है, ये उसके मेन एग्जाम का जो कट ऑफ है तो इसका कोई लेना देना नहीं है उससे, प्री सिमिलर होगा, मेन तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह पूछा गया था। फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि कट ऑफ कितना कम रहा था मेंस एग्जाम में भी, जनरल 5.5, फाइनेंशियल अवेयरनेस में ये तो रहेगा नहीं, इंग्लिश का 5.25 और क्वांटी एफटी मैथ का 5.75 और रीजनिंग का 8.75 था जनरल का जो कट ऑफ था, और ओवरऑल कट ऑफ 80 था, 200 में से था ये। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल्स कहाँ से, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल करेंट अफेयर्स, जिसके वीडियो सिर्फ हमारे चैनल पे आते हैं, जो एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर IBPS चैनल है, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चरल करेंट अफेयर्स के वीडियो हर महीने 2-3 पार्ट में अपडेट करता हूँ मैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एग्रीकल्चरल करेंट अफेयर्स के लिए जो बुक्स फॉलो करने हैं वो बुक्स हैं कुरुक्षेत्र जो मैगजीन है और योजना पत्रिका, ये मैगजीन्स आप फॉलो कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, एग्रीकल्चर से जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं उनको आप देखते रहिए, तो आपका एग्रीकल्चरल करेंट अफेयर ये टॉपिक कवर हो जाएगा। मेरे वीडियोस बहुत से टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को आपको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि मैं उनमें क्वेश्चंस बताता हूँ, क्वेश्चंस अब एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो एग्रीकल्चरल करेंट अफेयर के लिए आपको डिटेल से पढ़ना होगा उन्हीं टॉपिक्स को, जो भी क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक्स को आप इंटरनेट से डिटेल से पढ़िए। पहले मैं लिंक्स दे देता था लेकिन अब लिंक्स नहीं देता, तो आप उसको आसानी से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्रीकल्चरल करंट अफेयर सेक्शन के लिए आपको यही मैगजीन्स वगैरह फॉलो करने हैं, साथ ही साथ नाबार्ड वगैरह का जो वेबसाइट है इन पर आप नॉर्म्स वगैरह देख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर मिशन का जो वेबसाइट है उन सब पे आप सारे अपडेट्स जो लेटेस्ट हैं उनको देख सकते हैं। बुक्स में आपको एक मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए बुक्स टू बी फॉलोड फॉर AFO, तो वो आप जरूर देखेंगे, मेरे चैनल पर है, और अगर आप YouTube पे सर्च करना चाहते हैं तो देखिए आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं, YouTube सर्च पैनल में जाकर आपको लिखना है बुक्स फॉर AFO, यहाँ मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें बुक्स फॉर AFO आप लिखकर अगर सर्च करेंगे तो ये वीडियो आ जाएगा बुक्स टू बी फॉलोड। देखिए कैसे यहाँ सर्च पैनल में लिख रहा हूँ मैं बुक्स टू बी बुक्स फॉर AFO, और यहाँ पर जब सर्च किया तो आ गया बुक्स टू बी फॉलोड। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एग्रीकल्चर के बुक्स जो भी फॉलो करने हैं वो सारे आपको यहाँ बता देगा। तो बेसिकली वही बुक्स फॉलो करने हैं जैसे नेमरा सुंदा, अरुण कात्यायन और SR कांतवा की जो बुक है वो आपको फॉलो करना है।
इंग्लिश के लिए आपको वोकैबुलरी स्ट्रांग करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है वो न्यूज़पेपर से ही उठाए रहते हैं, जो लेटेस्ट टॉपिक्स रहते हैं उन्हें ही उठाया जाता है। तो आप इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, उससे आपको आसानी होगी। और वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए आपको वोकैबुलरी को कहीं से स्ट्रांग कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। हम भी सोच रहे हैं एक वोकैबुलरी के लिए एक सीरीज, जैसे हर वीक कुछ वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं उनको एक वीडियो में बनाकर लाएं, इस तरह से कुछ करेंगे। हालांकि जब तक नहीं है, आप बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जिस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि फाइंडिंग द एरर्स या फिर जो भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, उनको आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ही आपका स्ट्रांग होगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों से टफ होते जा रहे हैं, और कितना टफ होगा इसकी मतलब अंदाज नहीं लगाया जा सकता। इसका आपको बस प्रैक्टिस करना है इसके लिए। क्वांटी एप्टी के लिए बुक्स जो हैं, आर एस अग्रवाल, अरिहंत, अरुण शर्मा, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे अरिहंत ज़्यादा बेटर लगता है एफओ के हिसाब से, तो आप अरिहंत की बुक को फॉलो करेंगे क्वांटी एप्टी के लिए। या आप कोई और भी कर रहे हैं, अरुण शर्मा वगैरह भी बहुत अच्छे बुक्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के लिए सेपरेट बुक्स भी हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप आर एस अग्रवाल का बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, क्वांटी एप्टी और रीजनिंग के लिए महिंद्रा की एक बुक आती है, महिंद्रा का जो स्टडी पैकेज होता है पीओ के लिए, उसमें जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो दो बुक्स हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिए। वो शॉर्ट में आप मतलब कितना 20 दिन में आप दोनों बुक कर सकते हैं। बहुत पतली पतली बुक है, लेकिन वो बुक सफिशियंट है, मुझे लगता है प्री के लिए। ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं उससे। और एक चीज होगा कि वो बुक अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि टोटल जो मतलब सिलेबस है क्वांटी एप्टी और रीजनिंग, वो टोटल क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये जरूर करें आप महिंद्रा का क्वांटी एप्टी और रीजनिंग के जो के लिए जो महिंद्रा का बुक है, इसको आप जरूर देख लें एक बार। बहुत पतली बुक है, उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन पूरा उसको आप कवर कर लें। और उसके बाद आपको सिलेबस, तो सिलेबस मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। देखिए आपको सर्च पैनल में सिलेबस एफओ लिखेंगे और सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर एक वीडियो आएगा सिलेबस एफओ, इसको आपको क्लिक करना है और आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस हमने बना दिया है, सिलेबस पर एक वीडियो बना दिया है, तो ये डिटेल सिलेबस आपको वहाँ मिल जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर लिंक आपको डायरेक्ट चाहिए तो वो लिंक भी हम दे देंगे, हालांकि यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो आप सिलेबस के लिए वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं, सबसे अच्छी वीडियो है सिलेबस को लेकर, एफओ के सिलेबस को लेकर। उसके बाद जब सारी चीजें हो जाए, आपका प्रिपरेशन हो जाए, या पहले भी आप सैंपल पेपर्स बना सकते हैं, और टेस्ट सीरीज आप कोई ले लीजिएगा, टेस्ट सीरीज हम भी कराने वाले हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। और उसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत सारे आते हैं, जैसे कि महिंद्रा का आता है, testbook.com का आता है, तो कोई भी आप एक टेस्ट सीरीज ले लेंगे, उससे आपको एग्जाम में टाइम मैनेज करने में बहुत हेल्प मिलेगी और गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो टेस्ट सीरीज आप जरूर से ले लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप सैंपल पेपर्स वगैरह देखते रहिए, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहिए। तो ये था हमारा वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एफओ 2018। आप हमारे यूट्यूब के चैनल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर्स 6000 हो चुके हैं और फेसबुक पर पेज लाइक्स 2000 होने वाले हैं। तो आप इसको फेसबुक के पेज को भी लाइक करेंगे, ताकि जो भी वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं वो फेसबुक पर शेयर करते हैं तो वो आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। ये हमारा यूट्यूब का चैनल, इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि एफओ, JRF, NABARD, FCI, इन एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसके लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है ये एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर IBPS। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।